आज हम आपको लेकर जाएंगे नोवेल्टी में। और 1 किलोमीटर आप देख लो। तो दोस्तों अब हम यहाँ से जाने वाले हैं नॉवेल्टी मार्केट, जहाँ पर दो चीज़ें हैं जिनको हमको ठीक करवाना है। तो चंदन नगर से ज़रा नॉवेल्टी मार्केट का माहौल कैसा है आपको दिखाते हैं। वैसे तो रोड सड़कें जो है बहुत बढ़िया हो चुकी है, तो हमको इतना कोई लोड नहीं है। और यहाँ से बतेरे रास्ते मिलेंगे आपको नॉवेल्टी जाने में, क्योंकि नॉवेल्टी यहाँ से 5 किलोमीटर समथिंग है। और हम चाहेंगे कि हम आपको मोस्ट कन्वीनियंट रूट से लेकर जाएं, क्योंकि उतरता जाएगा हमारा बड़ा गणपति। और आपकी सहूलियत के लिए हम एक बार गूगल मैप का भी हम एक बार आह्वान कर लेते हैं। जी ऐसी ही चलती रहती है, क्योंकि चंदन नगर गाई आप भी थोड़ा सा सक्रिय होकर ना रहे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो कटबाजी हुई है। यहाँ तो सामान के देखो पाव पाव भर के चने जो है भांड फोड़ रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ से आपको दिखा रहा है 14 मिनट 4.2 किलोमीटर। इसके लिए अगर हम पॉइंट अभी स्टार्ट करते हैं तो हमको सीधे जाना है गंगवाल स्टैंड से, फिर जवाहर मार्ग पे पकड़ना है हमको, जवाहर मार्ग से दंतई सेतु, और फिर हम पहुंच जाएंगे हमारे नॉवेल्टी मार्केट। तो गूगल मैप से बताए अगर अच्छे अगर हम चलेंगे ज़्यादा शाम बच्चे नहीं करेंगे। और बहुत जल्दी आपको हम जो है ये 5 किलोमीटर का सफ़र 2 मिनट में पार करवा देंगे। तो ये सज्जन हम आपसे जबरदस्त बता दूँ कि अभी आप मेरे साथ बने हुए हो बाहर रोड पर। चंदन नगर से हम जो है जाने वाले हैं सीधे से ज्वाइन करेंगे। और फिर हम जवाहर मार्ग को राइड करते हुए यहाँ से जाएंगे नॉवेल्टी मार्केट। इस राइड के लिए तत्पर तैयार रहें, कभी भी भरोसे ना रहें कि आप सही चला रहे हैं तो सब सही चलेगा। सब कलाकार हैं यहाँ पर, सब पायलट हैं यहाँ पर। हमारा आ गया था पायलट को आपको देख ही कर दूँगा, इंडिकेटर रूम पर अंदर कर रखा हुआ है, डेली सेफ्टी मेजरमेंट रख लिया है। और इतने सभी गलियारे में लोग वहाँ घूम जाते हैं। हम जाने वाले जवाहर मार्ग जैसे हमारे राइट में पड़ेगा, फिर जवाहर मार्ग के भी आपको थोड़ा बहुत दर्शन कराएं। अगर बताएं तो ये दिखा रहा है एकांकी मार्ग, जिसको हम अभी क्रॉस करने का बिल्कुल भी मोड़ नहीं है हमारा, तो भी पहले भी यहाँ पे जैसा रहा है। और अगर जवाहर मार्ग से नहीं जा रहा है दोस्तों, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, एकांकी मार्ग लिखा है तो हम चाहेंगे कि हम डिसिप्लिन से रहें और रूल्स को फॉलो करें। तो खराब चाय नमकीन भी बहुत फेमस है यहाँ पर, अब आकर
तो जो भी अब दोस्त हैं वो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जो है दूसरे रास्ते पकड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पैरेलली जो है रास्ता जवाहर मार्ग के ही पास से जा रहा है, तो हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नया रूट देखने के लिए मिला है, ट्रैफिक भी कम होगा और नियम भी तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो नियम थोड़े बगैर भी काम किए जा सकते हैं, बस मन इंसान का सही होना चाहिए। अब गूगल मैप को अभी तक ये अपडेट नहीं है कि ये सिंगल रूट हो चुका है, इसलिए गूगल मैप ने तुमको रास्ता बता दिया। गूगल मैप को अपडेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसको। अगर आप भी ऐसे फंसे हो तो मेरी तरह गूगल मैप को अपडेट कर दें कि सर कृपया करके भ्रमित ना करें। इधर राइट में ही हमारा जवाहर मार्ग चल रहा है, हम अभी अंदर लेन से जो है पहुंचने का प्रयास कर पा रहे हैं। अब देखते हैं ये रास्ता हमको कितना सही ले जा सकता है। अभी तक तो कोई समस्या नजर नहीं आई है, आगे से बढ़िया रूट भी दिख रहा है। और ये हम अभी ओल्ड राज मोहल्ला में कसूरी काट रहे हैं, जो कि काफ़ी ही बढ़िया नज़ारों के साथ। और ये देखिए विदाउट ब्रेकिंग एनी लॉ हम जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अच्छी बात है कि हम आपको ओल्ड इंदौर की भी थोड़ी राइट दे रहे हैं, जो कि एकदम ही बेपरवाह चलता ही रहता है। किसी के नहीं रुकता ना इधर ट्रैफिक के लिए और ना ही कोरोना के लिए। ये निरंतर जो है चलता ही रहता है। यहाँ आप देखो, आप हमारे पुराने इंदौर का आर्किटेक्चर भी आप कितना खूबसूरत है, इसके लिए तो एक लाइक बनी जाना चाहिए दोस्तों। जस्ट इमेजिन कितनी खूबसूरती के साथ निहारा जाता था पहले घरों को, घर को आर्ट की तरह क्रिएट किया जाता था। नॉट लाइक टूडेज मॉडर्न आर्किटेक्चर जो कि सिर्फ कब्जा करने पर ही फोकस करता है। ये देखिए आप पर सारी भवन, दिस इज अ मास्टर पीस ऑफ हेरिटेज गाइस। आगे बढ़ेंगे, दूसरा पायलट हम आपको बिल्कुल